होगी। इसके लिए खेत को घेरने की आवश्यकता नहीं होगी। गोठान में पानी, चारा, छांव आदि की व्यवस्था होने से मवेशी गोठान की ओर आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान में चरवाहों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए मानदेय की व्यवस्था भी गोठान की आमदनी से होगी। गायों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाएगा। जैविक खेती के लिए इस खाद की विशेष मांग है। इसे अब किलो के भाव से बेचकर अधिक आमदनी ली जा सकेगी। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गरुआ, घुरुआ, नरवा और बाड़ी के बेहतर प्रबंधन के लिए ग्रामीणों से सुझाव भी लिए और ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समिति के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बहुत बढ़िया गौठान यहाँ बना है, जिसमें पानी की व्यवस्था है, सोलर पंप भी लगाया गया है, बाड़ी भी किया जा रहा है, जिसमें सब्जियां भी, फल भी और चारा का भी उत्पादन हो रहा है। यहाँ मवेशी रखने लगे हैं लोग और इससे एक यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और सब अपने हिसाब से सारे प्रबंधन कर रहे हैं। गोबर से जहाँ कंपोस्ट और गोबर से न केवल ये गोबर गैस प्लांट लगा रहे हैं, बल्कि गोबर से खाद भी बना रहे हैं, वर्मी खाद है, कंपोस्ट खाद। उसके अलावा धूप बत्ती और उपटन भी बनाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं यहाँ के बिहान के बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यहाँ समिति बहुत बढ़िया से काम कर रही है। जिले के प्रोग्रेस को लेकर क्या आज कितना संतुष्ट हैं आप जिले के प्रोग्रेस? देखिए, संतोष कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए संतुष्ट, क्योंकि यदि संतुष्ट हो जाएंगे तो विकास रुक जाएगा। लगातार विकास की गति निरंतर चलती रहती है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे किसानों को ऋण माफी किए, किसानों को 25 रुपये क्विंटल धान खरीदी किए और उसी प्रकार से अब छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, एला बचाना है संगवारी, तो ये जो हम लोग नारा दिए थे उसके उस दिशा में नाला के भी प्रबंधन कर रहे हैं और मवेशी के भी प्रबंधन। यह योजना भूपेश बघेल के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि राज्य भर में बनाए जा रहे गौठानों का जायजा लेने वह खुद जाते हैं, गांव-गांव में चौपाल लगाते हैं, किसानों के बीच बैठकर इस योजना को विस्तार से बयां करते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जानते हैं कि समृद्धि का रास्ता शहरों से नहीं गांवों के रास्ते तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।